बिहार को राजधानी दोहा में 2022 मार्च 26 27 में संपन्न होने दोहा फोरम को विशौं संस्करण को सम्मेलन में सहभागी होना राष्ट्रीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौड़े को नेतृत्व को टोली को भ्रमण में समर्थन करने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग का सचिव श्री तोयम राय को मिति 2078-12-18 देखि 2078-12-27 को भारत भ्रमण स्वीकृत करने नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति को सदस्य में स्याङ्जा जिला वाली नपा वड़ा नंबर 8 का श्री लेखनाथ शर्मा पंगेनी र काठमाडौँ जिला नागार्जुन नपा वड़ा नंबर 1 का डाक्टर जीवन अंगाई लाई नियुक्त करने जनवादी गणतंत्र चीन सरकार ने प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता समझौता अंतर्गत प्राप्त होने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेल मार्ग संभाव्यता अध्ययन संबंधी प्रविधि सहायता स्वीकार करने चीन सरकार संग भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रीमेंट अफ चाइना एड अन आयल एंड गैस रिसोर्सेस सर्वे प्रोजेक्ट इन नेपाल समझौता को 2 वर्ष समयावधि थप करने नेपाल र जनवादी गणतंत्र चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्यूटी फ्री कोटा फ्री सुविधा संबंधी एलओई स्वीकृत करने नेपाल र जनवादी गणतंत्र चीन बीच ग्रिड आबद्धता को संभाव्यता अध्ययन संबंधी समझौता स्वीकृत करने दुग्ध विकास संस्था को महाप्रबंधक पद में बलरा नपा 3 सर्लाई निवासी संजीव झालाई नियुक्त करने जापान का लागि नेपाल का पूर्व राजदूत केदार भक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्रदान गरिने द अर्डर अफ जापान द अर्डर अफ द राइजिङ सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृत दिने राष्ट्रीय भूमि आयोग को सदस्य में श्री भैरव रेग्मी तानसेन 4 पाल्पा र नापी विभाग पाल्पा र नापी विभाग को उपमहानिर्देशक श्री करुणा केसीलाई तोक्ने चितवन इंजीनियरिंग कैंपस रामपुर चितवनलाई बैचलर अफ आर्किटेक्चर में विद्यार्थी संख्या 24 जना सहित को नया कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी मान्यता प्रदान करने तिलौराकोट कपिल वस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा करने लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोग को सिफारिश बमोजिम विभिन्न सेवा समूह का राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी का अधिकृतहरूलाई संबंधित सेवा समूह को राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी का पदहरूमा नियुक्त तथा पदस्थापना गर्ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को सदस्य नियुक्ति को लागि सिफारिश गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय का सचिव को संयोजकत्व में सिफारिश समिति गठन गर्ने धन्यवाद।